और देखिए बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, ये कहना है अमित शाह का। घुसपैठ आतंकवाद हमारे सामने चुनौती, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो टिक नहीं पाएगी, ये भी बात कही गृह मंत्री अमित शाह ने। जम्मू कश्मीर में 10 साल से जवानों की शहादत की बदौलत शांति है और देश जवानों का हमेशा ऋणी रहेगा। तो आपको बताएं, गांधरबल में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया, 7 लोगों की मौत हुई, इस पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबूथू तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्साह हो, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। ABP News, आपको रखे आगे।